डिवीजन बाय आर डेसिमल। हमारे पास क्वेश्चन है कि 7.91 डिवाइडेड बाय 0.7। अब इसमें भी डेसिमल है और इधर भी डेसिमल है, इसके लिए सबसे पहले आपने अरेंज करना होता है, इसको देखना है कि आपके पास कितने नंबर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, तो हमने इसमें ये जो नंबर है आपके पास था 791 नंबर, उसको एज इट इज़ रखें, और ये वन नंबर के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के, तो आपने यहाँ से डेसिमल को, इसको डेसिमल को मूव करके इधर ले जाना है, ठीक है, यानी कि 9 के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब आपके पास नंबर आ जाता है 79.1 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। अब 0.7 ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ इस डेसिमल के लिए देखा कि इसमें एक नंबर है, तो यहाँ से एक नंबर मूव करना है और फिर 9 के बाद डेसिमल आएगा, और फिर दूसरा आपने यहाँ पे जो सिंपल बस्ट ऑफ मेथड है उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। सही, देखिए 7 × 7 हो जाएगा, देन इसको सॉल्व करेंगे 9 के साथ, तो 7 × 7 और 2 रिमाइंडर बचता है, वो आपने इधर लगा देना है, और यहाँ पे डेसिमल था इसलिए इसकी जगह पे आपने डेसिमल लगा देना है, क्योंकि यहाँ नीचे डेसिमल था। अब 2 को 1 के साथ ज्वाइन किया, ये 21 आ जाता है, ठीक है, तो 7 × 3 = 21, इस तरह फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 11.3। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन है कि 52.8 डिवाइडेड बाई 0.02 है, हमेशा इधर वाले नंबर ही देखते हैं डेसिमल के बाद, देखें कि डेसिमल के बाद दो नंबर हैं 1 और 2, और यहाँ से आपने डेसिमल को पहले आप वैसे लिखें 5, 2, 8 है, ठीक है, सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब दो नंबर हैं तो आपने इसको मूव करना है डेसिमल को इधर, 1 नंबर और 1 2 नंबर, लेकिन आपके पास और डेसिमल इधर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है आपने उसकी जगह पे 0 ऐड कर देना इस तरह, और डेसिमल लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको वैसे ही रहने दें। डिवाइडेड बाय जस्ट हमारे पास 2 रह जाता है, बाकी सब ख़त्म हो जाते हैं, फिर इसको आपने साइड पे डिवाइड कर देंगे ऐसे ही, 2 इधर 5, 2, 8, 0, और जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे ही होगा, और इसमें डेसिमल ख़त्म हो गया, आपको पता ना, क्योंकि जब मूव किया था कोई नंबर नहीं था, इसलिए 2 × 4 आ जाता है, और इसमें रिमाइंडर 1 था, इसलिए 12, 2 × 6 = 12, अब 4 8 के साथ किया तो 2 × 4 = 8, और 2 के साथ 0 किया तो 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 2, 6, 4, 0। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।